से दूसरी सक्षमता परीक्षा शुरू होगी। पटना में 42 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सीबीटी के माध्यम से गुरुजी को पास करना बहुत जरूरी है। डेढ़ घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्र में जूता मोजा पहनकर आने पर रोक लगाई गई है। 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पहली पाली की परीक्षा होगी और 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक दूसरी पाली में ये परीक्षा होनी है। तो आज दूसरी सक्षमता परीक्षा है और इसको लेकर गुरुजी जो बिहार के हैं, जो अभी सरकारी स्कूलों में सेवा दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें ये परीक्षा पास करना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। आपको बता दें कि इस परीक्षा के तहत बहुत सारे नियमों का पालन भी इन शिक्षकों को करना है, जिसके तहत आप जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र में नहीं जा सकते, परीक्षा भवन में नहीं जा सकते। बताया जा रहा है कि पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 12:30 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा का समय है 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। और सक्षमता दो परीक्षा देने आए शिक्षकों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा हॉल में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। काफी सख्ती से जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आप परीक्षा हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। ज्यादातर शिक्षक चप्पल पहनकर ही परीक्षा देने आए। परीक्षा केंद्र से इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार। सक्षमता 2 परीक्षा देने वाले शिक्षकों को परीक्षा से पहले भी इम्तिहान देना पड़ रहा है, यानी जूता मोजा पहले उतरवा लिए गए हैं। उसके साथ साथ जो कान की बाली है, गले का जो मंगलसूत्र है, हाथों की चूड़ियां हैं, वो पहले उतरवा लिए गए हैं, उसके बाद एंट्री दी जा रही है। तो ये देखिए, बड़ी संख्या में जो कतार में लगे हुए जो शिक्षक हैं, जिसमें महिला टीचर भी हैं, पुरुष भी हैं, पुरुष को भी जो है जूता मोजा उतरवाया गया है, क्योंकि पहले से आदेश दिया गया था कि जूता मोजा पहनकर नहीं आना है। क्या सब उतरवाया गया आप लोगों का? हम लोग का बोला गया हुआ है नहीं, हम लोग अपने खोल के जा रहे हैं। क्या सर? कान में के ढोलना पायल उल सब खोल के हम लोग गए। पायल वगैरह सब खोल दिया? हाँ। तो ये पायल वगैरह ये जो खोला जा रहा है ये क्यों? वही के चोरी न हो, इसमें चीट वगैरह रहता है क्या? नहीं। कान की बाली में कैसे रहेगा चीट, उसमें सटेगा। ब्लूटूथ का डर है? ब्लूटूथ का इन लोगों को, सरकार को डर है, हम लोगों को थोड़े डर है। हम लोग तो ऐसे बिना चीट का जा रहे हैं, एडमिट कार्ड पास में है। तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी तो हम लोग बूढ़ा आदमी तो क्या करेंगे। जितने भी टीचर आप देख सकते हैं वो लगभग चप्पल में हैं और कुछ गुरुजी जूता पहन के भी आए हुए हैं। आप गार्जियन हैं? आप सर आप टीचर हैं? आप भी गार्जियन हैं? आ जाइए। तो ये टीचर यहाँ देखिए, यहाँ तमाम जो शिक्षक हैं, जो अभी परीक्षार्थी के रूप में हैं, ये सभी चप्पल में आए हैं, क्योंकि पहले से आदेश दे दिया गया था। जिस प्रकार से मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थियों को ये आदेश रहता है कि आपको जूता मोजा पहनकर नहीं आना है, उसी प्रकार से 15 से 18 साल से नौकरी करने वाले जो शिक्षक हैं, उन्हें भी जो जूता मोजा है देख सकते हैं खोलकर आना पड़ रहा है और परीक्षा केंद्र पर तब एंट्री दी जा रही है। तो जूता मोजा खुलवा लिया गया है आपके परीक्षार्थी से? अभी तो सबको भीतर जाने के बाद पता चलेगा क्या खुलवा रहा है, लेकिन चूड़ी खुलवा लिया जाए, चूड़ी खुलवा लिया गया, कान में नाक में क्या उसमें क्या लगा हुआ है, ये सब नीतीश कुमार का ड्रामा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा हुआ। मैडम जूता नहीं पहनना है? नहीं जूता नहीं। क्या बोला गया? चप्पल पहन के आना है। चप्पल पहन के आना है और क्या? सब कुछ नेल पॉलिश वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। नेल पॉलिश में नहीं लगाना, ओरिजिनल लेके आना है सर। जरा नेल दिखाइए क्या? देखिए देखिए, ये महिला टीचर हैं, बता रही हैं नेल पॉलिश लगा। चूड़ी वूड़ी कुछ नहीं पहनना है सर? चूड़ी भी नहीं पहनना? कुछ भी नहीं सर। क्या नाम हुआ आपका? पायल कुसुम। जरा दिखाइए कैमरामैन दीपक, आप दिखाइए फोकस करके कि देखिए यहाँ पर पैर जो है, तमाम शिक्षकों के पैर में देखिए, कई जो है जूता पहन के आए थे लेकिन जूता उतारना पड़ा, कई जो है चप्पल पहन के अब एंट्री कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि 85,000 टीचर जो है आज परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। आज पहला दिन है और 26 अगस्त तक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो बिहार बोर्ड का दावा है कदाचार ना हो और कड़ाई से इम्तिहान हो, इसको लेकर तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। जो भी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र है वहां पर शिक्षकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 2 पालियों में इसी प्रकार से अगले 3 दिनों तक परीक्षा आयोजित होगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए अब बात करेंगे बिहार में मौसम के।